हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आर्य आज आप लोगों के बीच में आया हूँ पॉलिटी की क्लास लेकर। किसी शायर ने खूब कहा है कि चलो तुम्हारे हौसलों की उड़ान देखते हैं, आज फिर से खुला आसमान देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने हौसलों की उड़ान को उस खुले आसमान में लिख देना है। आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने हौसले इतने मजबूत करने होंगे कि आप एक यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर या फिर आप जेपीएससी के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर एक अधिकारी के रूप में अपने आप को देख पाएं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम लोग आज क्लास करने वाले हैं पॉलिटी की। बहुत से बच्चे पॉलिटी को लेकर जब बात चर्चा होती है तो वो पॉलिटी शब्द से ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कितने बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है, क्वेरी कर लेते हैं कि सर पॉलिटी कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो नहीं है? अरे भैया, कहीं ना कहीं पॉलिटी पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो है, लेकिन हमें इसमें प्योर पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है। जहाँ तक पॉलिटी चैप्टर की बात की गई तो इसकी व्याख्या की गई है यहाँ पर राज व्यवस्था के रूप में। राज व्यवस्था के रूप में क्या है राज व्यवस्था, क्या है पॉलिटी और हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? चलो आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे राज व्यवस्था में, अगर बात की गई राज व्यवस्था की तो भारतीय संविधान में वर्णित जितनी भी बातें हैं, ठीक है, वो हमें किस में पढ़नी है? राज व्यवस्था के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। कहीं जो संवैधानिक हो और कुछ गैर संवैधानिक बातें भी जो होती हैं वो राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के चैप्टर्स में हमें पढ़ने होते हैं। बात की जाए तो आज हम लोग पॉलिटी के चैप्टर में जाने से पहले इसके बेसिक को डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कि बहुत से बच्चे तो बेसिक ही नहीं जानते हैं तो वो पॉलिटी में आगे बिल्कुल जो चैप्टर्स होंगे उसको नहीं समझ पाएंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉलिटी के बेसिक हैं। अगर बात की जाए पॉलिटी के बेसिक की तो पॉलिटी का जो बेसिक है उसमें अगर बात करें तो आप देखिएगा कि संविधान में जो हमारे भारतीय संविधान है उसके तीन स्तंभों की बात की गई है, ठीक है। उसके बगैर ये तीन जो हमारे संविधान का जो वर्णित जितने भी आर्टिकल्स हैं और जितने भी कार्य हैं संविधान के थ्रू जो वर्णित हैं वो बिल्कुल अधूरे हैं। कौन से ये तीन स्तंभ? तीन स्तंभ तो संविधान में वर्णित हैं, लेकिन आगे हम लोग और भी देखेंगे कि अभी कुछ सालों पहले संविधान के चौथे स्तंभ को भी माना गया है जो संविधान में वर्णित तो नहीं है लेकिन इसे सरकार द्वारा व्याख्या किया गया है। चलिए आज हम बात करते हैं पहले संविधान के तीन बेसिक स्तंभों की। क्या है वो तीन बेसिक स्तंभ? सबसे पहले आता है विधायिका। सबसे पहले कौन आते हैं? विधायिका। ये संविधान का पहला स्तंभ हुआ। दूसरे नंबर पर आता है कार्यपालिका। ये संविधान का दूसरा स्तंभ हुआ। बात की जाए संविधान के तीसरे स्तंभ की तो तीसरे स्तंभ को हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका। आज हम लोग थोड़ा बिल्कुल इसके सारे जितने भी टर्म्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि विधायिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं और न्यायपालिका किसे कहते हैं। विधायिका में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से विधायिका के अंग होते हैं, कार्यपालिका के कौन कौन से अंग होते हैं और न्यायपालिका में किस तरह के अंग जुड़े हैं और वो कैसे कार्य करती है, ठीक है। बहुत से बच्चों का मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी को सुना है और मोस्टली कभी कभी बच्चों का क्वेरी आता है कि उनको ये बेसिक चीज़ें में जो है उनमें डिफरेंस पता नहीं होता है कि सर विधायिका में क्या क्या आता है और कार्यपालिका में क्या क्या आता है। और पॉलिटी यानी राज व्यवस्था में जब आप इन दोनों चीज़ों को नहीं जानोगे एग्जैक्टली कि विधायिका किसे कहते हैं और उसके अंदर क्या क्या आता है और कार्यपालिका किसे कहते हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं तो आप आगे की जो भी चैप्टर्स आएंगे उनको आप नहीं समझ पाओगे। तो बेसिक चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम से पर्पज़ से हो या जेपीएससी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग एज ए सीडिंग सक्सेस में जो भी मेंटर्स हैं वो आपको इस पर एक एक टर्म कंडीशंस को ऐसे बताएंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए हम आते हैं पहले नंबर पे। ये तो मेरे तीन स्तंभ हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड हो गया न्यायपालिका। अब हम बात करते हैं पहले विधायिका की, हमारा जो पहला स्तंभ है। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो विधायिका अपने आप में किससे जुड़ा हुआ है? विधायिका अपने आप में कहीं ना कहीं विधेयक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विधेयक। और ये विधेयक क्या है?
ये विधेयक ही आगे जाके क्या बनता है, कानून का रूप लेता है, ठीक है, किसी भी संविधान में के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं पहले विधेयक के रूप में लाए जाते हैं, और फिर वो जब किसी भी संसद की बात करें तो लोकसभा केंद्र की बात करें तो केंद्र के कानून के रूप में वो लोकसभा राज्यसभा में पारित किया जाता है, जबकि अगर हम बात करें किसी राज्य के संदर्भ में तो वहाँ की विधानसभा और जहाँ विधानमंडल है विधानमंडल दोनों में पास कर बनाया जाता है। बहुत से राज्यों में विधानसभा है और विधानमंडल दोनों है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे जहाँ केवल सिर्फ विधानसभा है और विधानमंडल नहीं है। हम लोग हर एक चैप्टर्स में जब हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य व्यवस्था में तो हम लोग देखेंगे आगे जाकर कि कौन कौन से प्रदेशों में राज्य व्यवस्था में कहाँ विधानसभा और विधानमंडल दोनों हैं और कहाँ सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं वापस विधेयक, बात करें विधायिका की। विधायिका का जो मूल शब्द है समझ लीजिए कहाँ से आई है, विधेयक से। तो विधेयक जो होता है चाहे केंद्र के संदर्भ में हो या राज्य के संदर्भ में हो कहाँ लाया जाता है, तो हम बात करते हैं पहला अगर हम केंद्र के संदर्भ में बात करें, केंद्र के संदर्भ में, ठीक है, तो ये कहाँ लाया जाएगा, केंद्र के संदर्भ में बात करें तो ये लाया जाता है संसद में। कहाँ पारित किया जाता है, संसद में, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ी देर में संसद को भी देखेंगे, ठीक है, कि संसद में कौन कौन से लोग आते हैं। बात की जाए संसद में तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बता दूँ कि जो संसद है, संसद की बात करें तो कहाँ, केंद्र में संसद में कौन कौन होंगे, इसमें आएंगे लोकसभा, राज्यसभा, और बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि संसद लोकसभा और राज्यसभा से सिर्फ मिलकर नहीं बना होता है, इसमें एक और जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं जब तक वो ऐड नहीं होंगे तब तक संसद आपका कंप्लीट नहीं होगा, यानी संसद अपने आप में इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। यानी अगर कोई विधेयक संसद में आता है, कोई विधेयक केंद्र, मान लीजिए हमारे अभी वर्तमान केंद्र सरकार है, ठीक है, इसने कोई कानून पास किया, अभी हाल में आपने सुना होगा कि इन्होंने एक कानून पास किया था, कौन सा कानून पास किया था, CEA, ठीक है, CEA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। कहने का मतलब है कि भारत में जो बाहर से आए हुए अल्पसंख्यक थे उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, ये कानून केंद्र सरकार ने पास किया। और कौन कौन से देश थे, जो बगल के पड़ोसी देश थे जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान मुख्यतः, ठीक है, और कौन से हैं, अफगानिस्तान है, और कौन से थे, म्यांमार थे, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ से जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के जो सिख हैं, वहाँ के जैन हैं, वहाँ के ईसाई हैं, जो भी अल्पसंख्यक वहाँ के बौद्ध हैं, ठीक है, जो यहाँ आएंगे, वहाँ के फारसी हैं, जब यहाँ आएंगे तो उन्हें कहाँ मिलना चाहिए, उन्हें यहाँ भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। ये था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर है। अब ये एक्ट जो पास हुआ वो केंद्र सरकार ने बनाया कानून, तो ये केंद्र सरकार जो कानून बनाई वो कहाँ पास हुआ, वो पहले सबसे पहले विधेयक के रूप में आया, किसके रूप में आया, विधेयक के रूप में आया। विधेयक के रूप में वो कहाँ आया, वो आया लोकसभा में, फिर लोकसभा से जब पास हुआ, लोकसभा से पास होकर वो कहाँ गया, वो गया राज्यसभा में, फिर यहाँ से पास हुआ, और फाइनली जब दोनों जगह से विधेयक पास हो गया, और जब तक ये दोनों से पास हुआ तब तक ये विधेयक ही कहलाता है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा से पारित हो या राज्यसभा से, तब तक ये क्या कहलाएगा, तब तक ये विधेयक ही कहलाता है। ये कानून तब बनता है जब महामहिम राष्ट्रपति हमारे इस पे क्या कर देते हैं, इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इनके हस्ताक्षर करते ही ये जो विधेयक है ये क्या कर लेता है, ये कानून का रूप ले लेता है, जो संविधान में सभी को मानना पड़ता है संविधान के अनुसार। तो जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, जो CEA का कानून था, जब इन दोनों जगहों से पास हो गया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो फाइनली उसने क्या कर लिया, एक कानून का रूप ले लिया, और अब ये था, ये कानून अब जो था पूरे कंट्री के लिए लागू हो गया। समझ में आ रहा है, तो ये था केंद्र के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, यानी जो विधायक विधायिका है। अब हम आते हैं विधायिका पे, ठीक है, तो विधायिका जो था वो कौन हो सकते हैं, यानी जो विधेयक लाते हैं, विधायिका के अंतर्गत कौन आते हैं, जो हमारा विधेयक लेकर आते हैं। अगर हम बात करें विधेयक लाने की, ठीक है, तो केंद्र के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, केंद्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो केंद्र में विधेयक कौन लेकर आते हैं, सांसद लेकर आते हैं, चाहे ये सांसद चाहे लोकसभा के हों, चाहे लोकसभा के सांसद हों या आपके राज्यसभा के सांसद, ठीक है, तो ये मेरे सांसद हो गए पहले। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में हमारे कौन लेकर आते हैं, ये हमारे कौन लेंगे, ये हमारे विधायक लेके आते हैं, ठीक है, विधायक यहाँ के
विधायक कौन कहलाते हैं? बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सांसद किसे कहते हैं, विधायक किसे कहते हैं। तो सांसद जो केंद्र में चुनकर जाते हैं, चाहे वो लोकसभा में जाएं या राज्यसभा में चुनकर जाते हैं, ठीक है, जो केंद्र की संसद है वहां चुनकर जाते हैं, वो सांसद कहलाते हैं क्योंकि वो संसद में बैठते हैं। जबकि विधायक वो कहलाते हैं जो यहाँ के विधानसभा में या विधानमंडल में बैठते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विधायक कहते हैं। जैसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ के जितने भी जो चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं झारखंड राज्य में, हमारे जो अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर भी हेमंत सरकार वर्तमान में जिनकी है, तो हेमंत सोरेन भी क्या है, एक विधायक है, और उनके कैबिनेट में जितने मंत्री वो भी विधायक हैं, और जो विपक्ष की जितने प्रतिनिधि बैठ रहे हैं विधानसभा में वो भी विधायक हैं। लेकिन वही बात अगर केंद्र की हम करें तो वहाँ प्रधानमंत्री जो है वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री के साथ एक सांसद भी हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में जितने लोग बैठते हैं वो भी क्या कहलाएंगे, सांसद कहलाएंगे। यानी केंद्र के परिप्रेक्ष्य में सांसद होते हैं और राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्या होते हैं, विधायक होते हैं। तो ये भी जो विधायक और ये जो सांसद हैं, यही कौन लाते हैं, यही अपने अपने अधिकार में, यानी संसद में कौन लाते हैं, सांसद विधेयक लेकर आते हैं, और अगर राज्य की बात करें तो यही विधायक विधेयक लेकर आते हैं। जो दोनों सदनों में, अगर राज्य की बात करें, जैसे ये तो मेरा केंद्र में था कानून बनाने का, अगर राज्य में बात करें तो राज्य में विधेयक कहाँ पर लाया जाता है, विधानसभा में लाया जाता है, ठीक है, विधानसभा में जब ये पास हो जाता है तो कानून का रूप लेता है। और यहाँ भी किसका हस्ताक्षर होता है, यहाँ हस्ताक्षर होता है महामहिम राज्यपाल का, ठीक है, तो ये कानून का रूप ले लेता है। तो इस तरह जो भी विधायक और जो सांसद है वही कहलाती है विधायिका। यानी विधायिका क्या है, वैसे लोग जो किसी ना किसी रूप में संसद में या विधानसभा में विधेयक को लेकर आते हैं, जो अंततः केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद और राज्य में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अंततः कानून का रूप धारण कर लेती है। तो ये हमारा पूरा पाठ जो था विधायिका था, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि विधेयक किसको कहते हैं, आपको पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि सांसद किसे कहते हैं, संसद के कौन कौन से अंग हैं, संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको हम लोग फिर से थोड़ी देर बाद जब डिस्कशन कर लेंगे तो लास्ट में बहुत कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ये था मेरा विधायिका। अब आते हैं कार्यपालिका, क्लियर है। अब आपसे कोई पूछेगा कि हमारे जो वर्तमान सांसद हैं वो संविधान के किस स्तंभ के अंतर्गत आते हैं, तो किस स्तंभ के अंतर्गत आएंगे जो सांसद हैं, वो विधायिका में आएंगे। अगर कोई पूछे कि वर्तमान हमारे रांची के जो विधायक हैं श्री माननीय सीपी सिंह, ठीक है, वो किस विधायिका के किस भाग में आएंगे, तो वो विधायिका में आएंगे, और विधायिका में क्या कहलाएंगे, विधायक कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको ना तो सीपी सिंह कार्यपालिका में आएंगे और ना माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यपालिका में आएंगे, ये जितने भी संसद सांसद और विधेयक हैं सब विधायिका में आएंगे। चलिए हम आते हैं अब पार्ट टू, यानी कि कार्यपालिका, संविधान का जो दूसरा स्तंभ माना गया है, ठीक है, संविधान का दूसरा स्तंभ क्या है, कार्यपालिका। बात करें अगर कार्यपालिका की, कार्यपालिका का अगर आप विग्रह करोगे तो ये हो जाएगा कार्य प्लस पालिका। यहाँ कार्य मतलब तो सभी को पता है और पालिका मतलब होता है पालन करवाने वाला, यानी जो भी कार्य दिए गए हैं कहाँ से, यहाँ से विधायिका से जो भी कार्य हैं, यहाँ कार्य क्या हो गया, कार्य का मतलब ये कानून, विधायिका से जो भी कानून बनकर लागू होते हैं उनको पालन करवाने का कार्य किनका होता है, इनका होता है कार्यपालिका का। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल कि अगर कोई यहाँ पर झारखंड में कोई कानून पास होता है, एक विधेयक आता है और वो कानून बनता है, जैसे झारखंड का खनिज कानून, तो ये खनिज कानून जो लागू करवाने का है वो काम कौन करेंगे, वो जो खनन जो पदाधिकारी होते हैं, खनन जो विभाग होता है उसके अंतर्गत जो पदाधिकारी होते हैं वही जाकर इसे कानून को लागू करते हैं, क्लियर है। चलिए उसी तरह और एक एग्जांपल, मान ली केंद्र से कोई मनरेगा की योजना चलती है, ठीक है, उस मनरेगा योजना को कहाँ लागू कर दिया गया, झारखंड सरकार में भी लागू कर दिया गया। अब झारखंड सरकार में जो उस मनरेगा योजना को, ना तो पीएम साहब आएंगे यहाँ पर वो लागू करवाने, उसका पालन करवाने, ना मुख्यमंत्री हर एक ब्लॉक स्तर पर जाके लागू करवाएंगे, ना तो हर एक विधायक अपने क्षेत्र में जाके लागू करवाएगा। सिर्फ ये क्या करते हैं, बनाने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं कि कार्य हो रहा है कि नहीं, लेकिन पालन करवाने का कार्य कौन करते हैं, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी होते हैं, सीओ होते हैं, बीडीओ होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी में, उसके अलावा बहुत सारे अधिकारी होते हैं, एसडीएम होते हैं, ठीक है, अगर जाइएगा डीसी होते हैं, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो पुलिस पदाधिकारी है, एसपी है, एसएसपी है। तो इस तरह के जो भी अधिकारी वर्ग
या कोई लिपिक वर्ग भी क्यों ना हो, छोटा सा टंकित कार्य क्यों ना करता हो, सरकारी मुलाजिम चाहे वो पीयूनी क्यों ना हो, वो सारे जो कार्य को किसी ना किसी रूप में पालन करवाते हैं पब्लिक में, वो क्या कहलाते हैं, कार्यपालिका में, यानी जितने भी अधिकारी, ठीक है, जितने भी अधिकारी वर्ग हो गए या आपके क्या हो गए, लिपिक वर्ग हो गए या कर्मचारी वर्ग हो गए, ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में किसी भी डिपार्टमेंट के हो या इवन कोई प्यून भी है यहाँ के, ठीक है, या क्या है, कोई प्यून भी है, तो ये सारे लोग कार्यपालिका में आते हैं, यही लोग कार्य का पालन जो भी है जगह जगह पर करवाते हैं। विधायिका ने कानून बना दिया मनरेगा का, कानून लागू करवाने का कार्य क्या है, कानून पालन करवाने का कार्य कौन करेंगे, कार्यपालिका करेंगे, यही अधिकारी करेंगे, यही जाकर जो जनता के बीच में है, वीडियो है तो ब्लॉक स्तर पर देखेगा कि ब्लॉक की जो उनके ब्लॉक के अंतर्गत जो सरकार की विकास की योजनाएं हैं वो जनता तक सीधे पहुंच रही हैं कि नहीं, और वो किन्हें बोलेगा, अपने नीचे के अधिकारियों को, अपने नीचे के कर्मचारियों को, और वो कर्मचारी अपने नीचे के कर्मचारियों से वितरित करवाते, इस तरह से एक जन संवाद का चैन बनता है, और ये चैन कहाँ बनेगा, ये चैन बनेगा इन्हीं अधिकारियों के जन संवाद से, इन्हीं अधिकारियों के काम करने के तरीके से, और यही अधिकारी जो होते हैं कार्यपालिका कहलाते हैं। अगर बात करें पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग भी क्या है, शासन व्यवस्था को पालन करवाती है, अगर शासन व्यवस्था के पालन की बोले तो, अगर रांची की अगर बात करें कि छोटे डिस्ट्रिक्ट में, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एसएसपी एक एसपी होते हैं, और उसके नीचे क्या होते हैं, डीएसपी होती है, डीएसपी से नीचे पुलिस अधिकारी होते हैं, पुलिस थाना प्रभारी होते हैं, एसआई होते हैं, उसके नीचे एएसआई होते हैं, तो इस तरह का एक चैन बनता है, और फाइनली क्या होती है, वहाँ की कानून व्यवस्था जो होती है उसका पालन पब्लिक को करवाया जाता है, ताकि कोई भी उपद्रव या किसी भी अशांति की स्थिति में निपटा जा सके। तो यही जो अधिकारी होते हैं, चाहे अलग अलग किसी भी क्षेत्र के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, अलग अलग अधिकारी कर्मचारी हो, सब किसमें आएंगे, कार्यपालिका में। तो विधायिका समझ में आ गया, विधायिका क्या था, विधायिका में सांसद और विधेयक आते हैं, विधायक आते हैं, और कार्यपालिका में जितने अधिकारी कर्मचारी और अलग अलग वर्ग के जो कार्यकर्त जो कर्मचारी वर्ग है वो सब आते हैं। चलिए अब आते हैं न्यायपालिका, ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ संविधान के किस स्तंभ के अंतर्गत रखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि वो पुलिस का अधिकारी है, वो कोई सांसद या विधेयक नहीं है, तो ये अधिकारी किस वर्ग में आएंगे, कार्यपालिका में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा खनन क्षेत्र के जो महासचिव हैं उस डिपार्टमेंट के, या खनन क्षेत्र के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो किस स्तंभ में आएंगे, तो किस में आएंगे, वो कार्यपालिका में आएंगे, वही लोग क्या करवा रहे हैं, अपने नीचे के अधिकारियों को आदेश देंगे, उनके नीचे वाले उनके नीचे के अधिकारियों को आदेश देंगे, इस तरह से एक चैन बनेगा, और फाइनली जो पूरा उनका खनन का जो नीति है वो लागू हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा विधायिका और कार्यपालिका। चलिए हम आते हैं तीसरे स्तंभ में, अब संविधान का जो तीसरा मूलभूत स्तंभ है, ठीक है, वो है न्यायपालिका। अगर इसका भी आप संधि विच्छेद करोगे, इसको विग्रह में करोगे, तो क्या आएगा, इसको न्याय प्लस पालिका, यानी न्याय का पालन करवाने वाले, न्याय का पालन, ठीक है। मैंने कहा था कि एक मूवी में एक डायलॉग था, आप अधिकतर पुरानी मूवी में देखते होंगे कि क्या है, कि हर कोई न्याय की गुहार लगाता था कि माय लॉर्ड मुझे न्याय चाहिए, अगर हीरो को फांसी हो रही है, माँ उधर से सक्के रो रही है, तो बोल रही है ये न्याय अंधा है, ये कानून अंधा है, गाना भी आपने सुना होगा, ये अंधा कानून है। तो ये अंधा जो कानून है ये कहाँ आता है, ये आता है न्यायपालिका में। हमारी न्याय व्यवस्था को सुधारने की बहुत ज़रूरत है, कहीं ना कहीं जो इतने सारे केस हैं उसका एक पहलू अगर आप देखिएगा, तो हमारे में एक जो लिमिट न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति अभी तक बहुतों की नहीं हो पाई थी, जिसके कारण एक एक न्यायाधीश पे लाखों लाखों केस का वजन आ चुका था, जिसके कारण यहाँ की न्याय प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो गई थी। तो अगर तर्कसंगत एक विवरण दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि एक न्यायाधीशों की समुचित व्यवस्था, उनकी नियुक्ति भी न्याय दिलाने में बहुत तर्कसंगत होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं न्यायपालिका, यानी न्याय का जो दरवाज़ा है वो हम कहाँ खटखटाते हैं, तो हम वो खटखटाते हैं कहाँ, कोर्ट में, न्यायपालिका में। कहाँ जाते हैं हम, कोर्ट में जाते हैं ना, यही है न्यायपालिका, यानी न्याय व्यवस्था से जुड़ी, कोर्ट के जज कोर्ट में क्या होते हैं, और वकील कोर्ट के लिपिक, कोर्ट के टंकित, कोर्ट के अंदर जो वह जितने भी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं सब न्यायपालिका व्यवस्था में आते हैं। अगर बात करें न्यायपालिका व्यवस्था में, तो भारत में आपको पता है कि सबसे जो
ऊपर जो देश का सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। ये पूरे भारत में सबसे जो हाईएस्ट न्याय व्यवस्था की प्रणाली है वहाँ पर, यानी कि कहीं पर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही या आप अपने न्याय प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, अगर उच्च न्यायालय में आपके विरुद्ध फैसला आ गया है तो आप देश में एक ऐसा न्यायालय जहां अंतिम बार आप दरवाज़ा खटखटा सकते हो वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। और इनका जो फैसला आता है वो विदित है, वो मान्य होता है, वही अंतिम माना जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगर किसी राज्य में बात करें तो राज्य में क्या होते हैं, सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं उच्च न्यायालय। वो कौन होता है, वो होते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, इनके नीचे बहुत सारे राज्य में कोर्ट होते हैं। अगर आप बात करें, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, राज्य में अगर आप बात करें तो सबसे ऊपर कौन होता है, हाई कोर्ट, ठीक है, यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय के बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे न्यायालय होते हैं, जैसे अगर सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, बहुत सारे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी अगर राज्य में बात करें तो राज्य में सबसे ऊपर कौन होता है, मान लीजिए अगर झारखंड में सबसे ऊपर न्यायालय की प्रक्रिया कहाँ पर सुनवाई होती है, उसकी हाई कोर्ट में। अगर हम इससे भी संतुष्ट नहीं हुए हाई कोर्ट के फैसले से, तब हम कहाँ खटखटा सकते हैं, तब हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट, जो मेरा देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ जा सकते हैं। बात करें सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और जहाँ बात करें हाई कोर्ट की, तो आप देखिएगा जितने भी एक राज्य होते हैं, स्टेबल जो स्थिर राज्य होते हैं, उसमें एक हाई कोर्ट होता है हर एक राज्य का, जहाँ राज्य का सर्वोच्च न्यायालय उसे माना जाता है, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। लेकिन देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। यानी सिंपल है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों को ये विदित और क्लियर हो गया होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या अंतर है। क्या अंतर है, सिंपल है, जो भी सांसद विधेयक है क्या है, विधायिका, जो विधेयक बनाते हैं, जो कानून को क्या करते हैं, पारित करवाते हैं, कानून को लागू करवाने, उनका पालन करवाने का जो अधिकार होता है वो कार्यपालिका में, यानी जितने सरकारी कर्मचारी मुलाजिम अधिकारी हैं वो कार्यपालिका में आएंगे, जबकि न्यायपालिका की जो व्यवस्था होती है वो न्याय से संबंधित होती है, यानी कोर्ट के डिसीजन से, यानी कोर्ट से जितने भी संबंधित है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, अधीनस्थ न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो, उसके अंतर्गत जितने भी व्यवस्थाएँ हैं वो न्यायपालिका में आती हैं। चलिए, ये तो था तीन मूलभूत जो स्तंभ हैं संविधान के, ये जो क्या थे, तीन मूलभूत स्तंभ संविधान के, ये तो मेरे वर्णित हैं, ये मेरे संविधान में वर्णित हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि संविधान की एक ऐसी व्यवस्था भी अब आधुनिक ज़माने में एक ऐसी व्यवस्था जो थी वो सामने आई, जिसे संविधान का चौथा स्तंभ माना जाने लगा। उसके अंदर इतनी पावर थी, ठीक है, उसके अंदर इतनी पावर थी उस व्यवस्था के अंतर्गत कि उसने अपने आप को संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित कर दिया। ये संविधान में वर्णित नहीं है, ये संविधान में लिखित नहीं है, लेकिन इसे सरकार ने माना है, ठीक है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये एक चौथा स्तंभ है आज देश का। और वो चौथा स्तंभ कौन है, कोई आइडिया है आप लोगों को, चौथा स्तंभ कौन है? सही है, चलिए, चौथा स्तंभ जो है, अब हम, मैं इसको थोड़ा रब कर दूँ, ठीक है, और थोड़ा क्लियर विजन आ जाएगा। होप कि आप इस पूरी जो प्रक्रिया है, चाहे विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका की है, इससे आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा रब करता हूँ इसको, और हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर चौथे स्तंभ को। अब एक बार मैं क्लियर विजन में आने के लिए थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग बाद में एक एक पॉइंट को पॉलिटी में देखते रहेंगे कि भाई सिर्फ संसद, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि पॉलिटी, राज व्यवस्था में जो चैप्टर्स हैं, जैसे अभी संसद, अभी मैं बताऊंगा कि आप चैप्टर्स को कैसे इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, खुद बहुत सारे चैप्टर्स कैसे निकल जाएंगे, मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको थोड़ा रब कर दूं। किसी भी एग्जाम्स में, रब तो हो रहा है, किसी भी एग्जाम्स में क्या होते हैं, जब आप यूपीएससी की तैयारी करो या आप जेपीएससी की तैयारी करो या फिर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप पिछले 4-5 सालों का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, चाहे यूपीएससी का पैटर्न हो या जेपीएससी का पैटर्न हो या बीपीएससी का पैटर्न हो, कहीं भी आप उठाकर देखिएगा, तो आज का एक जो हॉट टॉपिक्स है, एक हॉट सब्जेक्ट है, वो है पॉलिटी। पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा फैक्चुअल में कि संविधान की पहली बैठक कहाँ हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, या संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है, या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये हो गया फैक्चुअल। लेकिन आपको घुमाकर भी क्वेश्चन अगर बात करें यूपीएससी की, तो पॉलिटी में आपको बिल्कुल घुमाकर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आर्टिकल 32 का उपयोग यहाँ वर्तमान में किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है। और अगर आप करंट अफेयर्स अप टू डेट नहीं रहिएगा, तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा। यानी पॉलिटी को घुमाकर पूछा जाता है, फैक्चुअल के साथ क्या होते हैं, रोटेशनल क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन आपका अगर कंसेप्ट बहुत अच्छा हो, आपके मेंटर बहुत अच्छे हो, जो आपको हर एक बात बताएं, अगर कोई आर्टिकल 32 के बारे में आपसे पूछ देता है, तो पहले आपको पता ही नहीं होगा कि आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 को क्यों संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मेंटर्स आपको बताएंगे, वो जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो क्लासेस चलेंगी, उस क्लासेस में जो आपको नॉलेज दिया जाएगा, वो अपने आप में क्या है, इस तरह का होना चाहिए कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हो, अगर वो सीधे फैक्चुअल आ रहे हैं तो भी आप सही मार्क आ रहे हैं, अगर वो रोटेशनल आ रहे हैं तो भी वो क्वेश्चन मेरा नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप टेंशन ना लें, सीडिंग सक्सेस के साथ आपको हर एक तरह से तैयार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो नॉलेज है हमारे अंदर और जो भी आपके रिगार्डिंग एग्जाम्स में बेटर आप कर पाओ, वो सारा कुछ हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए हम आते हैं, हम बात कर रहे थे 3 स्तंभों की। क्या था मेरा पहला? मेरा पहला था विधायिका, वो हम देख चुके। फिर था कार्यपालिका, ये भी हमने देख लिया। फिर आते हैं तीसरे स्तंभ की तरफ, न्यायपालिका, ये भी हमने देख लिया। चलिए अब हम आते हैं चौथे स्तंभ की तरफ, जिसके बारे में बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये माना कि इसके बिना आज के वर्तमान समाज को ना तो परिलक्षित किया जा सकता है, ना ही मूलभूत रूप से दर्शाया जा सकता है। यानी ये बहुत ही मजबूत और क्या है, स्तंभ हो गया है अब। हाँ, लेकिन इसके बारे में ये जो तीनों स्तंभ हैं, ये तीनों स्तंभ जो है संविधान में वर्णित हैं, और ये जो स्तंभ है ये संविधान में वर्णित नहीं है, और ये स्तंभ कहलाता है मीडिया। यानी आज जो मीडिया की ताकत है, मीडिया मतलब जो आप चैनल्स देखते हो, जो आप न्यूज़ देखते हो, चाहे वो पेपर के रूप में देखते हो या टीवी में बैठकर कोई न्यूज़ चैनल देखते हो, ये सब कुछ मीडिया है। सोशल मीडिया की बात करें तो आप फेसबुक चलाते हो, आप यूट्यूब पे काम करते हो, आप गूगल्स पे काम करते हो, आज सब कुछ क्या है, मीडिया है। यानी जो भी बातें, समझ लीजिए, अगर एक प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर कोई भाषण दे रहे हैं, 26 जनवरी भी हाल में हुआ, मान लीजिए उनका भाषण था, और उस भाषण में उन्होंने जो भी कहा, ठीक है, उस भाषण में उन्होंने जो भी कहा, वो आप घर बैठे बैठे सुनते हो। आज एक कार्यक्रम चलता है मन की बात, जो रेडियो के थ्रू जन जन तक पहुंचता है, तो रेडियो भी अपने आप में क्या है, एक मीडिया का माध्यम है, क्योंकि वो क्या है, वो आप यूजुअल नहीं है, वो आप साउंडेबल, आप वो सुनते हैं, ठीक है। यानी मीडिया के बहुत सारे रूप हैं, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, ये अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि किसी भी, समझ लीजिए, सरकार का सत्ता पलट भी सकती है और किसी को सरकार में बैठा भी सकती है। आप अगर कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, तो आज क्या होता है, अगर कुछ कहीं भी गलत हो रहा है, एक ट्रैफिक चालान भी गलत हो रहा है, कट रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत तरीके से ट्रैफिक ले रहा है, आप क्या करते हो, आप तुरंत फेसबुक पे जाते हो और खुद को लाइव कर लेते हो, और आप ये बताते हो कि देखिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये जो लाइव आप इस तरह से दिखाते हो और सामने ट्रैफिक पुलिस दिख रहा होता है, वो कहाँ दिखता है, वो सोशल मीडिया। यानी इस मीडिया की इतनी ताकत होती है कि उस पर वो प्रत्यक्ष कार्रवाई हो पाती है, और आप अपनी बातों को जनमानस तक पहुंचा सकते हो सीधे संवाद से। यानी अपने आप में आज मीडिया की जो ताकत है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि जो हमारे संविधान का जो चौथा आधारभूत जो संरचना है, जो पिलर है, जो स्तंभ है, वो मीडिया है। जब बात करें मीडिया की, तो मीडिया मुख्य रूप से दो तरह से होते हैं। पहले मीडिया को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और दूसरे मीडिया को बोला जाता है प्रिंट मीडिया, ठीक है। दूसरे मीडिया को क्या बोला जाता है, प्रिंट मीडिया, ठीक है। ये मीडिया की ही ताकत है, जब पढ़ाई से बोर हो जाते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, मूवीज देखने, ठीक है। बहुत सारे आजकल वेब सीरीज आ गए हैं, लोग उसी में बिजी हो गए, वेब सीरीज में। कोई तांडव देख रहा है,
तो कोई रक्तांचल देख रहा है, तो कोई कुछ देख रहा है। लोगों का डिमांड वेब सीरीज का बढ़ता जा रहा है, इसी तरह वेब सीरीज का कारोबार भी काफ़ी फल फूल रहा है। तो आप क्या होते हो, ये मीडिया की ही ताकत है, जो आप जाकर वेब सीरीज देख लेते हो। बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स मिल जा रहे हैं आपको, कहाँ से मिल रहे हैं, मोबाइल से। मोबाइल में जो विजुअल आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं मीडिया OTT प्लेटफॉर्म्स में भी एक मीडिया की ताकत का ही नमूना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप देखते हो, यानी जो दृश्य है, यानी कि जो चैनल्स होते हैं, जो भी न्यूज़ चैनल्स आप देखते हो, समझ लो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है। जब बात करें प्रिंट मीडिया की, तो जो भी आप अखबार पढ़ते हो, जो छपता है, प्रिंट मतलब जो छपाई होती है, ठीक है, जो छपता है, जिसकी छपाई होती है, यानी अखबार, ये प्रिंट मीडिया है। सिर्फ अखबार ही नहीं, अखबार के साथ बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, वो भी प्रिंट मीडिया का उदाहरण है, समझ में आ रहा है। बहुत सारे लेख आते हैं, वो भी प्रिंट मीडिया के उदाहरण है। यानी मीडिया अपने आप में इतनी शक्तिशाली हो गई है कि आज अच्छे अच्छों की जो बोलती है मीडिया ने बंद कर दी है, और अच्छे अच्छों की जो पहचान है मीडिया ने लोगों के बीच में उजागर कर दी है। आज आपको बैठे बैठे पता चल जाता है कि आज इतने करोड़ का स्कैम इस कंपनी ने किया, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, आप सुबह सुबह उठकर चाय की चुस्की के साथ क्या लेकर बैठ जाते हो, पेपर, और पेपर ही अपने आप में आपको एग्जाम्स की तैयारी करवा देता है, बहुत सारे करंट अफेयर्स की तैयारी करवा देता है कि अभी वर्तमान में RBI के जो नए गवर्नर थे कौन बने, वो हमने पेपर में पढ़ लिया। आज मेरा सेंसेक्स कितना चला हुआ, हमने पेपर में पढ़ लिया। भारत रत्न अभी हाल में किसे किसे मिला, हमने पढ़ लिया। अभी हाल में पद्मश्री की घोषणा हुई, किन्हें मिला, खेल जगत में किसे मिला, साहित्य के जगत में किसे मिला, ये सब कुछ पेपर में रहता है। और अपने आप में कहीं ना कहीं पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर पढ़ने की आदत डालें। और मेरा भी यही सजेशन है कि अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, तो आप सुबह सुबह पेपर पढ़ने की आदत निकाल कर एक घंटा आधे घंटे ज़रूर डालें, या कभी भी दिन में आपको जब भी टाइम मिल जाए, शाम में, रात में, आधा घंटा 40 मिनट आप पेपर पढ़ें, और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उनके एक नोट्स को बनाएं। ये अगर नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं, तो आप उसको पढ़ें और अप टू डेट रखें, अपने मोबाइल्स में रखें, ताकि आपको जो भी पॉइंट्स जो हैं टाइम टू टाइम उसको रिवाइज़ कर पाएं, और आप एक करंट अफेयर्स के अपने आप में आप अप टू डेट तैयारी कर पाएं। तो आज के डेट में मीडिया हर तरीके से मदद करता है। एज ए स्टूडेंट आप क्या है? आज के डेट में YouTube में अगर आप एक क्लिक करते हो कि मुझे पॉलिटी के लेक्चर सुनने हैं, आप एक क्लिक करोगे YouTube में आपको सारे कुछ अवेलेबल हो जाते हैं, घर बैठे ही आपको मिल जाता है ना, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये किसकी ताकत है? ये मीडिया की ताकत है कि आपकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं मीडिया से प्रभावित है। यानी आप घर बैठ के एक अच्छी तैयारी कर सकते हो, एक ऑनलाइन माध्यम से आकर तैयारी कर सकते हो, ऑफलाइन माध्यम से, दोनों ही माध्यम बहुत अच्छी हैं। तो आप कहीं ना कहीं मीडिया की ताकत को समझो कि आज के डेट में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक ज़माने में बिना मीडिया के कोई भी संवाद पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्याख्यित किया कि ये क्या है, संविधान का चौथा स्तंभ। ये सिर्फ जो है व्याख्यित है, ये क्या है, सिर्फ व्याख्यित किया हुआ है, जबकि ये तीनों जो है संविधान में लिखित माने गए हैं, ठीक है। इन्हें संविधान में लिखित रूप से माना गया है कि ये मेरे तीन राज्य व्यवस्था के आधार, संविधान के आधार मूलभूत स्तंभ हैं, जबकि ये सिर्फ व्याख्यित है। मीडिया इसे संविधान में मूल रूप से माना नहीं गया है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की इसी ताकत को देखते से व्याख्यित किया है, ठीक है। तो ये थे मेरे मीडिया, ये थे मेरे संविधान के चार मूलभूत स्तंभ। तीन सब जानते थे, चौथा बहुत लोग नहीं अवेयर होते हैं। चौथा से ही क्वेश्चन आता है, बोला जाता है, क्वेश्चन उठाकर पूछ दिया जाएगा कि हाल में इनमें से किसे संविधान का चौथा स्तंभ माना गया है, आपसे पूछ दिया जाएगा, और चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, आंसर क्या होगा, मीडिया। क्लियर है? चलिए, ये तो थे मेरे स्तंभ। अब हम बेसिक चीज़ और देखते हैं, बहुत से जो बेसिक डाउट्स होते हैं राज्य व्यवस्था में, आज हम लोग उस पर भी बात करेंगे। उस बात करने से पहले एक जो हमारे देश के जवान हैं, जो वीर जवान हैं, जो गलवान घाटी में शहीद हो जाते हैं, जो आपकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, आप जब भी पढ़ाई करो, जिंदगी में कुछ भी ऑफिसर बनो, लेकिन इनके जज्बे को कभी मत भूलो, ठीक है। एक कविता थी, ठीक है, मैं उससे एक दो पंक्ति कहना चाहूँगा। एक फूल की जो इच्छा थी, उसने कहा था कि मुझे तुम तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अर्थात मुझे ऐ वनमाली तुम तोड़ लेना और उस पथ पे बिछा देना जिस पथ पर मेरे सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए चले जाते हैं। तो उस फूल की के अंदर की जो चिंगारी थी,
उसने अपने देश के लिए लगाई। और आप जब एक अधिकारी के रूप में स्थापित हो जाओगे तो आपकी एनर्जी किस पे लगनी चाहिए, अपने भारत को बनाने में, इसके राष्ट्र निर्माण में, इसके इसे आगे ले जाने में। वो चिंगारी आपको जलानी होगी, वो चिंगारी आपको अपने राष्ट्र प्रेम के रूप में दिखानी होगी। कहीं ना कहीं ये पढ़ाई हमारे राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप इस ऑफिस की तैयारी करते हो, आप उस पर बैठते हो और आप कहीं ना कहीं समाज को अच्छे लेवल पर ले जाते हो, तो मेरा देश सशक्त होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, जाति धर्म वर्ण से ऊपर उठकर हमें क्या करना है, हमें अपने देश को बनाना है और इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। हमें उस गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना है जहां आपको अलग अलग चीज़ों के नाम पर क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। इसलिए राष्ट्र प्रेम को अपने अंदर जगाइए, उस चिंगारी को भड़काइए और चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो या JPSC का, आप निकाल कर अपने देश को बनाने में अपना योगदान दीजिए। ठीक है, तो उस स्कूल से भी हमें सीखना है। चलिए अब हम आते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। अभी मैं बात कर रहा था संसद की, हम अब बात करते थोड़ा संसद की। बात किसे करते हैं, संसद की। संसद में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, अगर मैं संसद की बात करूं और मैं पूछता हूं कि संसद क्या है, तो वो सीधे बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। भाई ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन संसद बिना एक जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके बिना अधूरा है। यानी बात करें तो क्यों लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। चलिए, इसमें लोकसभा राज्यसभा तो है, लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, उनके बिना ये जो संसद है अधूरी है। क्यों अधूरी है, मान लीजिए आपने कोई विधेयक लाया, मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए आप कोई विधेयक लेकर आते हैं, आपने उसको कहाँ पास किया, सबसे पहले वो कहाँ आया, लोकसभा में आया, फर्स्ट लोकसभा में आया, यहाँ से ये पास हो गया। अब पास होने के बाद ये कहाँ गया, राज्यसभा में, राज्यसभा में भी ये पास हो गया, लेकिन जब ये लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, तब तक ये क्या कहला रहा था, तब तक ये विधेयक ही था, तब तक ये क्या था, विधेयक ही था, ये कानून नहीं था। ये कानून कब बना, जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। अब जैसे ही राष्ट्रपति का इस विधेयक पर हस्ताक्षर हुआ, ये विधेयक क्या बन गया, हस्ताक्षर के साथ ही ये जो विधेयक था ये क्या बन गया, कानून बन गया। तभी ये कानून बनता है जब महामहिम राष्ट्रपति हमारे क्या कर देते, हस्ताक्षर कर देते। यानी केंद्र अगर कोई कानून लेकर आती है पूरे भारतवर्ष के लिए, तो वो पूरे भारतवर्ष में तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। इसीलिए संसद जो है वो इन दोनों के बिना, तो अगर मान लीजिए आप लोकसभा या राज्यसभा है, इनके बिना भी नहीं चल सकती, लेकिन इन दोनों के साथ भी नहीं चल सकती, सिर्फ किनको लेना पड़ेगा, आपको राष्ट्रपति को ऐड करना ही पड़ेगा, तभी एक कंप्लीट संसद का निर्माण होगा। क्योंकि संसद इसीलिए बनाई ही गई है कि जो भी कानून हो भारत सरकार द्वारा लागू किए जा सके। ठीक है, यानी संसद जो हमारा था, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों पर मिलकर बना। क्लियर है, विजन क्लियर है। चलिए अब हम एक और कंसेप्ट देखते हैं आज। अभी हम लोग पहले ना, इसके बाद कुछ कंसेप्ट देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटी में बताएंगे आपको कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में आते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है। एक कंसेप्ट और देखते हैं हम। कंसेप्ट क्या देखते हैं, हम कंसेप्ट देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अलग अलग चैप्टर हैं राज्य व्यवस्था में, उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ इन तीन पॉइंट्स पर, इन तीन पॉइंट्स पर। ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका, हम कैसे कर सकते हैं सिर्फ इन तीन पॉइंट्स पर इनको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, अगर हम विधायिका की बात करें, हमने यहां पर किन की बात की, सांसद और विधायक। क्लियर है, ठीक है, सांसद और विधायक। सांसद से हमें क्या आया, संसद आया, विधायक में क्या है, विधानसभा आया, और संसद में भी क्या आ गया, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और यहां पर बात करें तो ये हो गया विधानसभा, और कुछ कुछ राज्यों में क्या चलता है, विधानमंडल भी चलता है। ठीक है, जैसे बिहार की बात करें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसे बात कर दें, तो बिहार में क्या है, बिहार में दोनों है, बिहार में विधानसभा भी है और विधानमंडल भी है। ठीक है, या हम यूपी की बात कर ले, मान लीजिए एग्जाम्पल में यूपी लेते हैं, यूपी में भी वही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश,
यानी यहां पर अब चैप्टर्स देखिए कैसे डिफाइड होगा। चैप्टर्स विधायिका से ऑटोमेटिक निकल गया। क्या चैप्टर निकला? पहला चैप्टर निकला संसद। पहला क्या निकल गया? संसद। संसद के बाद क्या आ गया? लोकसभा। लोकसभा के बाद क्या आ गया? राज्यसभा। ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। ठीक है, संसद में बैठते हैं। तो हमारे चौथा चैप्टर क्या आ गया? पीएम। उनके साथ क्या ऐड होता है? संसद में अगर ऐड करें तो लोकसभा राज्यसभा के साथ और क्या ऐड हो जाते हैं? राष्ट्रपति। तो चैप्टर हो गया राष्ट्रपति। ठीक है, और क्या हम लोग बना सकते हैं? विधानसभा। विधानसभा राज्य में क्या होते हैं? राज्य में राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति की जगह, तो राज्यपाल। इस तरह से ETC बहुत सारे चैप्टर आपको सिर्फ यहां देखने से पता चल जाएंगे कि हमको राज्य व्यवस्था में पढ़ने हैं। अगर बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका को अगर डिवाइड करेंगे तो जितने ऑफिसर हैं, तो ऑफिसर में क्या आ जाएगा? चुनाव आयोग, जो चुनाव का कार्य करवाती है। लोक लेखा अधिकारी, लोक लेखा अधिकारी। ठीक है, कैग, बहुत सारे हैं। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। वित्त आयोग हो गया, यहां पर था वित्त आयोग। वित्त आयोग के बाद पहले क्या था? पहले था योजना आयोग। पहले योजनाएं जो थी योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी, ये सब उसी में आता था। पहले योजना आयोग भी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैसे था योजना आयोग का स्ट्रक्चर वो भी पढ़ना पड़ेगा। अब इसके जगह क्या आ गया? इसके जगह आ गया है नीति आयोग। इसके जगह नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। चलिए अगर क्वेश्चन की बात करें थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा? करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, नीति आयोग का संरचना क्या है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कैग जो है वर्तमान में किन्हें बनाया गया है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल भारत के कौन है, तो ये अपने आप में क्या है, वहाँ पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो करंट अफेयर्स में तब्दील कर दिया गया है। अगर सीधे सीधे आपको पूछ दिया जाएगा पॉलिटी से रिलेटेड, तो आपको पूछ दिया जाएगा कि चुनाव आयोग का गठन जो है संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया है, ये है पॉलिटी का सीधा सीधा क्वेश्चन। आपसे पूछ दिया जाएगा अटॉर्नी जनरल जो है उसका जो उसकी जो व्याख्या की गई है वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत की गई है। ठीक है, योजना आयोग कब गठित हुआ? योजना आयोग के जो चरण थे, ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, हर चरण का एक मॉडल था, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि महालनोबिस मॉडल कौन सा था। ठीक है, किस चरण में किसका गठन हुआ, ये काफ़ी कुछ जो क्वेश्चन है इससे निकाल कर आ सकती हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर क्या है। ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बल्कि सब्जेक्टिव पैटर्न में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए आप UPSC के एग्जाम्स में बैठे हो और आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्तियों का विवरण अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दें, तो आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य का उदाहरण देते हुए आपको राष्ट्रपति की शक्तियों का विवरण देना पड़ता है, तो वो एक सब्जेक्टिव पैटर्न में कैसे लिखना है वो भी हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी में आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से मस्त वे में पढ़ाई करना है, और जो भी कंसेप्ट इतने क्लियर वे में आपको बताया जाएगा कि आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, जो कभी हटने वाला नहीं है। चलिए हम आते हैं, अगर बात करें न्यायपालिका से, तो न्यायपालिका का कौन कौन से चैप्टर बन सकते हैं? अपने आप में क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट, अपने आप में सुप्रीम कोर्ट। फिर हो गया हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? अधीनस्थ न्यायालय। बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आप यहां पर चैप्टर्स निकाल सकते हो ETC। तो इस तरह से आप अपने में देख लो, बहुत सारे चैप्टर निकल गए अपने आप में। तो ये पॉलिटी कितना, राज्य व्यवस्था कितना आसान है, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आप कंसेप्ट समझोगे, आप बाकी तुरंत सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर लोगे, तुरंत आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको रब करते हैं। अब मैं जो कंसेप्ट में आता हूँ इसके बाद, वो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई आप कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कैसे एग्जाम्स को क्रैक करना है। हम लोग जब छोटे थे ना, तो स्कूल जाया करते थे, थोड़े बड़े हुए कॉलेज गए, तो हमारे टाइम में क्या ना, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था जब हम कॉलेज में जाते थे। आज के बच्चों के पास क्या है, हाथ में एक मोबाइल स्मार्टफोन है, हम उससे नहीं थे। स्कूल झोला टांग के हमारा क्या था,
निकल जाते थे घूमते फिरते, वहाँ टीचर आराम से इस तरह से लगा के सो जाते थे और पूरे क्लास में क्या उठा पटक चालू रहती थी। फिर कॉलेज पहुँचे तो उस समय भी सोशल मीडिया का ज़माना उतना नहीं था, धीरे धीरे सोशल मीडिया अप टू डेट हुआ। अभी आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप लोगों के हाथ में क्या है, सोशल मीडिया है, ठीक है, आपके हाथ में मोबाइल है। लेकिन ये बहुत डेंजर भी है और बहुत अच्छा भी है। ज़रूरी क्या है कि आप उस मोबाइल का सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग, ठीक है। सदुपयोग अगर आपने कर लिया तो आपको कोई एग्ज़ाम निकालने से नहीं रोक सकता, आपने दुरुपयोग कर लिया तो आपको, ठीक है ना, देवदास बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अक्सर क्या होते हैं, टूटे दिल की जो आह होती है, लोग उसी में निकलने में क्या होते हैं, एक आध साल लगा देते हैं, और वो बहुत जो टाइम होता है बहुत प्रीशियस होता है, ठीक है। तो आपको देवदास नहीं बनना है, ठीक है, आपको देवदास को मारना होगा। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ को आपको UPSC की तैयारी करनी पड़ेगी बिल्कुल एकाग्र होकर। तो अभी जो कंसेप्ट, मान लीजिए क्वेश्चन पैटर्न पे हम आते हैं कि पॉलिटी की अगर हम बात करें क्वेश्चन पैटर्न पे, ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न की बात करें पॉलिटी में, तो क्या है क्वेश्चन पैटर्न और कैसे। चलिए राजव्यवस्था, राजव्यवस्था आपने आपने बहुत सारे चैप्टर्स देख लिए, ठीक है। समझ लीजिए कि अगर आप स्टेट स्पेसिफिक की बात करते हो, अगर मैं बात करूँ JPSC DPSC या स्टेट कोई एग्जाम्स या SSC स्टेट एग्जाम SSC और एक तरफ मैं रख देता हूँ UPSC को, क्लियर है। मान लीजिए एक ही क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, सिंपल है। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखी, इसमें नीति आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसके चार ऑब्जेक्टिव A B C D आपको दे दिए गए, क्लियर है, ये चार ऑब्जेक्टिव दे दिए गए, कोई एक इसमें से सही होगा आपने टिक मार दिया। ये हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन जो मोस्टली स्टेट्स में पूछे जाते हैं, मोस्टली स्टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर UPSC पैटर्न पर पूछा जाए, और क्या है, और टॉपिक नीति आयोग, टॉपिक वही उठाएगा वो नीति आयोग, और वो गठन को कैसे लिखेगा, वो लिखेगा नीति आयोग का गठन, ठीक है, किस संविधान के आर्टिकल के तहत हुआ। यहाँ ये आर्टिकल उठाएगा, आप नीति आयोग का गठन तो पूछ रहे हैं, ये गठन ही पूछेगा, या क्या पूछेगा, किस आर्टिकल के तहत हुआ, यानी आपको बहुत डेप्थ नॉलेज लेना होगा UPSC की तैयारी कर। मान लो एक और क्वेश्चन है जो फैक्चुअल भी है और रोटेशनल भी है, इसमें क्या पूछेगा, मान लो एक क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि भारत के वर्तमान कैग या हाँ कैग कौन है, ये तो फैक्चुअल हो गया, आपने बता दिया भाई ABCD चार ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन आपने टिक कर दिया, चलिए मान लीजिए मेरा बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल फैक्चुअल। लेकिन यूपीएससी इस क्वेश्चन को कैसे उठाएगी, यूपीएससी इस क्वेश्चन को ऐसे उठाएगी कि वो पूछेगी कि भारत के अभी संविधान में किस व्यक्ति को संसद में बैठने की अनुमति है, भारत के संविधान में किस व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई सांसद या विधायक केंद्र में सांसद के अलावा कौन अनुमति है जो बैठ सकता है उसकी कार्यवाही में, सीधे प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे संसद की कार्यवाही में कौन सा व्यक्ति इसमें से निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप में भाग ले सकता है। अब वहाँ आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा व्यक्ति ले सकता है, कैग ले सकता है, ठीक है, कौन सा, और चार ऑप्शन दे जाएंगे, उपराज्यपाल ले सकता है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष ले सकता है, या वित्त आयोग का अध्यक्ष ले सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, पर कोई और ऑप्शन दे दिया जाएंगे और वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये कब होगा, ये आपके मेंटर्स बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और बहुत ये पैटर्न जो होता है वो मेंटर्स के दिमाग में चलता है कि आपको वो एग्जैक्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। सीटिंग सक्सेस के साथ आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये था मेरा राजव्यवस्था, सॉरी, ये तो मेरा क्या था, राजव्यवस्था। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, क्लियर है कि आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न काफ़ी कुछ पता चल रहा होगा इससे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर कर दूँ केंद्र और राज्य के संदर्भ में, केंद्र और राज्य के संदर्भ में
थोड़ा और क्लियर कर दूं, ताकि केंद्र में बहुत सिंपल है क्या होते हैं, फिर से मैं एक बार शॉर्ट समरी बता दे रहा हूँ। केंद्र में मेरा क्या होता है, केंद्र में होता है संसद। संसद में जो बैठते हैं, संसद में जो बैठते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सांसद। ठीक है, संसद के अंदर क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए ये तो आपको पता था यहां तक कि अब इसको आपको क्या जानना है, इसमें जानने की चीज ये है कि इन दोनों सदनों में किसको लोअर हाउस बोला जाता है और किसको अपर हाउस बोला जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सोचते हैं कि लोकसभा मेन होता है, वहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहां सारे कुछ होते हैं, इसीलिए वो क्या है, अपर हाउस है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, विदित हो कि लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद का लोअर हाउस। और राज्यसभा जो होता है उसको बोला जाता है अपर हाउस, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है, ये मेरा राज्यसभा है, यानी लोअर हाउस कौन हो गया, लोकसभा, अपर हाउस कौन हो गया, राज्यसभा। सिमिलरली अगर हम राज्य में चले तो राज्य में क्या होते हैं, विधायक होते हैं। यहां पर भी बात करें तो यहां क्या होता है, यहां विधानसभा हो गया, और कहीं कहीं क्या होते हैं, साथ में विधानमंडल भी होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब विधानसभा यहां पर बात करें तो जो विधानमंडल है वो बिल्कुल राज्यसभा की तरह ही राज्य में होता है। ये सिर्फ केंद्र में है राज्यसभा, उसी की तरह एक बनाया गया है सिमिलर वे में राज्य में विधानमंडल। यानी राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस, यानी विधानमंडल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य में अपर हाउस, और जो विधानसभा उसको क्या बोलेंगे, लोअर हाउस। क्लियर है, ये विधानसभा। ठीक है, बिल्कुल मेरे हिसाब से आप लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा विजन कि केंद्र में क्या है और राज्य में क्या है। विधेयक किसको बोलते हैं, विधेयक कब बनता है, विधेयक केंद्र सभा सॉरी केंद्र द्वारा कोई भी जब कानून लाया जाता है, जब वो लाया जाता है तो विधेयक कहलाता है, जब वो राज्यसभा से पास होता है तब भी विधेयक कहलाता है, जब वो लोकसभा से पास हो जाता है तब भी विधेयक कहलाता है, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे वो कानून नहीं बनता। यानी जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है वो कानून के रूप में लागू हो जाता है। चलिए, ये थी मेरी आज राजव्यवस्था में हमारा आज इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, हम लोग जब चैप्टर सब इसकी शुरुआत करेंगे हर एक टॉपिक पे, तो हम लोग टॉपिक वाइज जब इसका डिस्कशन करेंगे तो आपको उसके अंदर का जो कंटेंट है इतने इजी वे में समझाएंगे कि आपको हर एक कंटेंट बहुत आराम से लगेगा, और किस तरह एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस को पकड़ना है और मेंस के एग्जाम में किस तरह सब्जेक्टिव्स के आंसर को लिखना है वो अपने आप में बहुत आसानी से आप कर पाओगे, वो आपके मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और चूंकि अभी के पैटर्न में पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए पॉलिटी को बहुत मस्ती के साथ और बहुत आप लोगों को एक्टिव होकर पढ़ना है, ताकि आप क्या कर पाओ, एक अच्छे नंबर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर पाओ। क्लियर है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। मैं अविनाश शार्य फिर मिलेंगे कहाँ, स्पीडिंग सक्सेस के साथ एज अ पॉलिटी के मेंटर में। मैं आपको पॉलिटी की हर एक कुछ बारीकों से अवगत कराऊंगा, जहां आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बी कनेक्ट विथ अस एंड बी कॉन्टैक्ट विथ इन स्पीडिंग सक्सेस क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।